नमस्ते बच्चों, आज की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज से पहले की कक्षाओं में आपने ई की मात्रा में सीखे थे शब्द, चित्र देखकर नाम, पेड़ों के नाम, समान तुक वाले शब्द और वाक्य बनाओ। अब आप ई की मात्रा वाले बहुत सारे शब्द सीख चुके हैं, तो चलिए हम पढ़ने का काम करते हैं, यानी रीडिंग, कुछ पठन का काम करते हैं। तो आज की कक्षा का हमारा यही विषय है, ई की मात्रा, पठन पाठन और गतिविधि। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास की हिंदी की किताब नवीन संकल्प का पाठ ई। तो यानी आपकी किताब से ये पाठ लिया गया है, जिसे आप देख रहे हैं स्लाइड पर। अब इसमें हम चित्र पढ़ेंगे, चित्रों के नाम, यहाँ पर फिर अक्षरों पर ई की मात्रा है और इसके नीचे दिए गए हैं ई की मात्रा के शब्द। बच्चों, पढ़ने से पहले ये बात ध्यान से सुनिए कि जब मैं रीडिंग करूंगी, आप सबको उसे दोहराना है, यानी एक एक शब्द को जब भी मैं पढ़ूंगी आप उसे रिपीट करेंगे। तो सबसे पहला चित्र है ईद, दूसरा है ईख, तीसरा दीपक, फिर है कीट। चलिए आइए हम अक्षरों को पढ़ते हैं जो ई की मात्रा के साथ है। जी, डी, नी, पी, बी, भी, री। अब हम पढ़ेंगे शब्दों को जो यहाँ नीचे दिए हुए हैं। जब हम शब्द पढ़ेंगे स्टैंडिंग लाइन में पढ़ेंगे, यानी ऊपर से नीचे, फिर सेकंड लाइन, फिर थर्ड लाइन। तो शुरू करते हैं फर्स्ट लाइन को। बीन, नीला, धरती, बीरबल, शहनाई, नीम, गीला, पपीता, कारीगर, हलवाई, भीड़, मीठा, शरीफा, बाजीगर, चारपाई। बच्चों, बाजीगर उसे कहते हैं जो जादू के खेल दिखाता हो, यानी अपने जादू के खेल से हमें जो सरप्राइज करता है, इंटरटेन करता है, उसे कहते हैं बाजीगर। आइए अब पढ़ते हैं यह कविता जिसका नाम है तितली रानी। इधर उधर उड़ती है तितली, जगमग जगमग करती, कभी हाथ ना आती तितली, उड़ती मन भी हरती, मीठा रस पीती यह, कभी न पीती पानी, दादी कहती बड़ी सयानी, तितली रानी तितली रानी। अब इस कविता को मैं एक बार फिर से पढ़ूंगी, लेकिन हर लाइन के बाद आपको उसे रिपीट करना है, यानी दोहराना है। इधर उधर उड़ती है तितली, जगमग जगमग करती, कभी हाथ ना आती तितली, उड़ती मन भी हरती हरती, मीठा मीठा रस पीती यह, कभी न पीती पानी, दादी कहती बड़ी सयानी, तितली रानी तितली रानी।
अब बताओ बच्चों, इस पार्ट में इधर उधर कौन उड़ती है? तितली। जगमग जगमग कौन करता है? तितली। जगमग जगमग का मतलब है कभी इधर चमकती है, कभी उधर चमकती है। कभी हाथ ना आती तितली। तितली किसी के हाथ आती है? नहीं आती है। उड़ते हुए वो क्या करती है? मन हरती है हमारा। वह कैसा रस पीती है? मीठा मीठा रस पीती है। और कभी नहीं पीती, क्या नहीं पीती? पानी। और दादी क्या कहती है तितली को? बड़ी सयानी। सयानी मतलब होशियार। तो तितली कैसी है? होशियार। होशियार क्यों कहा है दादी ने तितली को? क्योंकि वो कभी हाथ नहीं आती है। बच्चों, अब इस कविता को आप चार या पांच बार पढ़ लीजिए, जिससे आपको ये याद हो जाए। बच्चों, अब हम समझेंगे मात्रा का अंतर। यहाँ पर दो बॉक्सेस हैं और दोनों बॉक्सेस में, एक बॉक्स में है ई की मात्रा के शब्द और दूसरे में है ई की मात्रा के शब्द। ये शब्द बिल्कुल एक जैसे हैं, सिर्फ इनमें मात्रा बदल दी गई है। यानी एक बॉक्स में ई की मात्रा है और दूसरे में उसी शब्द पर ई की मात्रा हटाकर ई की मात्रा लगा दी गई है। तो आइए अब देखते हैं ये मात्रा बदलने से क्या शब्द बनेगा। तो पहला शब्द है मिल। शब्द है मिल। अब दूसरे तब अब इसमें मिल में ई की मात्रा हटा देंगे और लिखेंगे म में ई की मात्रा। तो देखिए क्या बनेगा, मील। मिल से बना मील, सिर्फ मात्रा बदलने से। तो मिल का मीनिंग होता है, मिल का मतलब होता है मिलना, और मील का मतलब होता है मील। बच्चों, मेजरमेंट का एक नाम है, यानी एक मील, दो मील, जैसे मीटर होता है, एक मीटर, दो मीटर, तीन मीटर, ऐसे ही एक मेजरमेंट, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक की दूरी, हम डिस्टेंस को जो मेजरमेंट करते हैं उसे कहते हैं मील। चलिए अब दूसरा शब्द देखते हैं, दिया। दिया यानी कुछ दिया। अब यही शब्द है जिसमें मात्रा हटा के बनाया गया है, दिया। ये शब्द है दिया। तो अब देखिए मीनिंग बदल गया, जब था दिया तो यानी कुछ दिया, और फिर एक ही मात्रा जब आ गई उसमें दिया, तो यानी दीपक। तो देख रहे हैं आप, यानी सिर्फ मात्रा बदलने से शब्द का मतलब बदल गया। अब तीसरा शब्द देखिए, खिल। खिल का मीनिंग तो आप जानते ही हैं, जैसे फूल खिला, खिल। अब खिल का ये खिल में ई की मात्रा बदल दी गई है, यानी ई से वो ई हो गई है, तो हो गया है खील। खील बच्चों चावल का एक दाना होता है, जो चावल को फुला दिया जाता है, जैसे कुरमुरे होते हैं, वैसा ही चावल का दाना होता है, उसे खील कहते हैं। अगला शब्द है भेड़। भेड़। अब यही शब्द जो है ई की मात्रा हटाकर ई की मात्रा लगाई तो क्या बना, भीड़। भीड़ का मतलब होता है लड़ना, और भीड़ का मतलब क्राउड, जो आप जानते ही हैं, भीड़ यानी क्राउड। तो अब देख रहे हैं आप कि भीड़ और भीड़ मतलब बदल गया है दोनों शब्दों का। यानी सिर्फ अगर मात्रा आप गलत लिख देंगे तो उसका मतलब भी अलग हो जाएगा। तो हमेशा शब्दों को अच्छी तरह से बोल बोल के सीखिए, जिससे आपको उसका मीनिंग पता चल जाए कि कौन सा शब्द आपको लिखना है।
बच्चों यहाँ पर एक गतिविधि दी गई है, यानी एक्टिविटी। इसका नाम है मात्रा पहचान है। तो यहाँ पर एक बादल में शब्द दिए गए हैं। वे शब्द हैं इ की मात्रा और ई की मात्रा के शब्द, यानी दोनों ही मात्राओं के वाले शब्द हैं यहाँ पर। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दो फ्लावर पॉट दिखाई दे रहे हैं। तो इस फ्लावर पॉट में, यानी ये गमला है, पॉट जो है यानी गमला, इसमें आपको एक गमले में यानी ई, यहाँ पर एक फूल के अंदर ई लिखा हुआ है, तो उस गमले में ई के मात्रा वाले शब्द ढूंढ के लिखने हैं, बादल में से ढूंढ के लिखना है। और दूसरे वाले गमले में आपको ई की मात्रा वाले शब्दों को लिखना है। हर गमले में पांच पांच शब्द आपको लिखने हैं, और लिखने के बाद ये फूलों में आप रंग भर दीजिए और पत्तियों में भी सुंदर सा रंग जो आपको बहुत पसंद हो। बच्चों आज आपने ई की मात्रा का जो पाठ पढ़ा उसे आप लगभग 4 या 5 बार पढ़िए, जिससे आपको वो पूरा पाठ और ई की मात्रा समझ आ जाए। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।